गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत होंगे। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर कन्नौज में, जो कि अपने आप में इत्र की नगरी माना जाता है। तो इस वक्त मैं वहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सी प्राचीन जगह हैं, मतलब बहुत ही पुरानी जगहें हैं। वहाँ पर मैं आज आप लोग को लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ पर कन्नौज में क्या क्या चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे आस्थाने पर जाने वाले हैं जहाँ जो कि आस्थाना तो है बट वहाँ पर कोई ज़ियारत के लिए नहीं आता है। तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि वो आस्थाना किस तरह का है और कहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोग भी आसानी से पहुँच सकें। तो बस वीडियो में बने रहें, वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में मिलते हैं। سلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن का के। अभी हम लोग रोजे के पास आ चुके हैं उधर आस्थाने के पास, जो मैंने आप लोग को बताया कि वो आस्थाना बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। और आप लोग हमारे सामने देखिए कि वो आस्थाना मौजूद है यहाँ पर। इस तरह की ये रास्ता है पूरी, काफी अंदर शहर के अंदर आके पड़ता है ये। इस तरह का ये रास्ता है, अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। और ये आप लोग देखिए कि ये कुआं है यहाँ पर, जो कि पहले बहुत ही पुराना ये कुआं हुआ करता था। अब ये कुआं बंद पड़ा है, ख़राब हो गया पूरा। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का नज़ारा देखने को। बच्चा नूर का आका तू है, दे नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के सर रहते हैं, मुरझाया तो गाइज ये पूरा शहर है कन्नौज शहर। अभी हम लोग बस दरगाह के अंदर जाने वाले हैं आस्थाने में, और आप लोग को भी दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा किस तरह का होता है। ज़बां पर शिकवाई रंजो अलम लाया, नहीं करते नबी के नाम लेवा, गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। और गाइज आप लोग देख रहे हैं कि कितना पुराना आस्थाना है, और मतलब काफी ऊपर से थोड़ा सा खराब भी हो गया है, टूट गया है काफ़ी आंधी तूफान बारिश की वजह से। और ये पुराने पत्थरों का पूरा बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी पत्थर डैमेज हो चुके हैं यहाँ पर। अंदर चलते हैं आस्थाने पर, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं अंदर का व्यू। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। मिलकर ये सलाम कह देते हैं हुजूर की बारगाह में। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी
न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम है आमिना के लाल है महबूब सुबहानी, सलाम है फखरे मौजूदात फखरे नौ इंसानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबसुम गुफ्तगु बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला नबी व अहलिल बैत कुल्लिहिम। गाइस अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर आया हूँ अकेले, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आस्ताना पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और बहुत ही पुरानी कस्ता हालत में है ये पूरा, मतलब ख़राब हो चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि अंदर से क्या हालत है इसकी, पूरी छत्ता भी लगा है परैया का, ये काफ़ी सारे चिड़िया वगैरह यहाँ पर मौजूद रहती हैं। बता दूँ आप लोगों को कि इसके चार दरवाज़े हैं यहाँ पर, मतलब आप लोग देख रहे हैं दरवाज़े मौजूद हैं, एक दरवाज़ा ये है और एक ये दरवाज़ा है और के सामने एक ये दरवाज़ा है और ये चार दरवाज़े हैं। और अभी गाइस हम लोग को दूसरे एक आस्ताने पे भी जाना है, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को पता चलेगा वो आस्ताना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है वो बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है, दरगाह है वो, आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। और गाइस ये आस्थाने जो है वो किसका है वो मैं आप लोग को बता दूँ कि इनका बुजुर्गान दीन का नाम मैंने पता किया तो पता चला कि इनका नाम सैयद बजरिया शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और ये जो मतलब इलाका है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, अगर आप लोग को यहाँ पर आना है तो कन्नौज स्टेशन से आप लोग उतरेंगे तो वहाँ से ऑटो वगैरह आप लोग को मिल जाएगा कन्नौज सिटी के लिए, आप लोग वहाँ से ऑटो करके कन्नौज सिटी में आ सकते हैं। और जो ऑटो वाले जो छोड़ते हैं वो लाखन चौराहे पे छोड़ते हैं, वहाँ से अगर आप लोग किसी से भी पूछेंगे कि आपको बजरिया मछली बाज़ार बजरिया जाना है तो आप लोग वहाँ पर आकर और किसी से भी पूछ लें। वैसे तो इस जगह का नाम रोज़ा करके मशहूर है कि रोज़े पर जाना है ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो हस्ती मौजूद है उनका नाम सैयद बजरिया शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनकी ये उनका ये आस्ताना है। और यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये कन्नौज शहर जो है ये कारोबार का शहर है, यहाँ पर इत्र का काम बहुत ही ज़्यादा काम है और यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, लोग यहाँ पर इसलिए मतलब नहीं आते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े आस्ताने हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर भी लेके जाऊँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। और ये आस्ताना आप लोग आइए यहाँ पर विज़िट करिए, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर। मैं आप लोग को बाहर का व्यू पूरा दिखाऊँ कि बाहर का व्यू पूरा चारों तरफ से किस तरह का है। كلهم محمد سيد
देखा कि इसका व्यू जो है चारों तरफ से बिल्कुल सेम व्यू है, और यहाँ पर पहले मीनार भी बनी हुई थी। आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह की ये मीनार बनी थी, जो कि अब बाकी तरफ से टूट चुकी है, और यहाँ से भी बिल्कुल गड्ढा सा हो गया इस तरफ से, क्योंकि बहुत ही पुरानी इमारत है। तो यहाँ पर मतलब आंधी तूफान बारिश की वजह से ये पूरी इमारत खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। बाकी यहाँ का एरिया आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह की यहाँ पर आबादी है, और अभी भी आबादी मतलब बढ़ती जा रही है। ये पीछे सब जो मतलब खेत हैं यहाँ पर, बाकी चारों तरफ आबादी है। तो मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप लोग यहाँ पर आएं तो किस तरह आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग कन्नौज आइए, स्टेशन पे उतरिए, स्टेशन से उतरने के बाद आप लोग वहाँ से ऑटो वगैरह आप लोग को मिल जाएगी। ऑटो से आप लोग जो है कन्नौज सिटी का मतलब ऑटो करके पहले कन्नौज सिटी आ जाइए, वहाँ पर लाखन चौराहे पे आप लोग को उतार दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप लोग किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको मछली बाज़ार बजरिया मछली बाज़ार जाना है, और उसके बाद वहाँ से आप लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। किसी से भी पूछ सकते हैं कि मुझे बजरिया शाह के रोज़े पर जाना है, आप लोग आसानी से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसको वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि ये रोज़ा अभी तक आप लोग ने भी फर्स्ट टाइम शायद इस वीडियो को मैंने किसी ने यूट्यूब पर डाला है। तो आप लोग भी आइए, रोज़े को विज़िट करिए, देखिए, घूमिए, ज़ियारत करिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।